का बहुत बहुत नमस्कार और स्वागत। नव वर्ष की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस नव वर्ष में हम उत्तरा दीदी के साथ जुड़े हैं एक बहुत सुंदर और संवेदनशील पहलू के साथ। हमारे जीवन का जो प्रेम रंग है, प्रेम रस है और विवाह का जो एक हमारे जीवन में बहुत सुंदर रूप है, उसके ऊपर हम इस नव वर्ष में विचार करने जा रहे हैं, बात करने जा रहे हैं। साथ ही इस नव वर्ष में हम दीदी के साथ अपनी एक बहुत सुंदर अपना एक बहुत सुंदर कोर्स शुरू करने जा रहे हैं केपी पर। तो दीदी आपका बहुत बहुत नमस्कार और बहुत नमस्कार, नव वर्ष की शुभकामनाएं आपको। आपको भी दीदी। और दीदी इससे पहले कि हम शुरू करें, ये बस पूछना चाहती थी कि हम केपी पर केपी में किन किन चीजों पर बात करेंगे। केपी में हम देखो वैदिक से आगे केपी है। जब तक आपने वैदिक नहीं सीखा तब तक आप केपी के लिए नहीं आ सकते। तो हम संक्षेप में केपी के बारे में जानने से पहले संक्षेप में हम राशियों, भावों और ग्रहों के बारे में जानेंगे थोड़ा। तो ये आप एक बार सिखाएंगे, हम उनके बारे में आपको बता देंगे कि इस भाव से क्या क्या देखा जाता है और इन राशियों का क्या महत्व है और ग्रहों का क्या महत्व है, ये हम संक्षेप में बताने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये बहुत लंबा हो जाएगा तो 4 महीने तो यही ले सकता है जी। और उसके बाद हम आ जाएंगे नक्षत्रों पर। कृष्णमूर्ति पद्धति में नक्षत्रों पर ही पूरा महत्व दिया गया है जी। कौन सा नक्षत्र किस राशि में है, सारे 27 नक्षत्रों को जानने के बाद ये बाई हार्ट हो जाने चाहिए सबको। उसके बाद हम उनके सब लॉर्ड्स पर आ जाते हैं, उप विभाग जो उन्होंने दशा अंतरदशा के को बेस बना के किया है, तो दशांतर दशा के बारे में भी जानकारी उतनी ही महत्वपूर्ण है। और फिर सब लॉर्ड से हम किस तरह से कुंडली का प्रेडिक्शन करें, सब लॉर्ड का महत्व उससे किस तरह से हम प्रेडिक्शन करें, क्योंकि हर भाव का अपना सब लॉर्ड आएगा जी। और हर ग्रह का अपना सब लॉर्ड है, उससे हम किस तरह से हम फलित करें और उसको सिग्निफिकेटर्स में कैसे कन्वर्ट करें, दशांतर दशा के साथ कैसे कोरिलेट करें, ये पूरी बातें जो है हम अपने इस कोर्स में सिखाने की कोशिश करेंगे। तो बहुत सुंदर एडवांस लेवल पे भी यदि कोई करना चाहे तो बाद में हम उन्हें एडवांस लेवल पे भी ले जा सकते हैं जी। बिल्कुल, फिर हम उसमें प्रैक्टिस करवा सकते हैं उनको, हर भाव से रिलेटेड क्वेश्चंस को किस तरह से हम सॉल्व करें। दीदी ये बात हुई केपी के कोर्स के बारे में। अब मैं ये जानना चाहूंगी दीदी, आपको ये प्रेम विभाग का और किस तरह से मनुष्य के अंदर ये भावुक संवेदनशील जो भावनाएं हैं वो आती हैं, इस पर आपकी रुचि कैसे आई? एक्चुअली मैंने बताया कि आपको पहले भी एक बार अपनी चर्चा हुई है कि मैंने संस्कृत में एमए किया हुआ है और संस्कृत में मैंने बहुत सारे पुराने संस्कृत साहित्य को पढ़ा है, कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत, ऋतु संहार और भी बहुत सारे जो हमारे कवि हुए हैं उन्होंने बहुत सुंदर लिखा है संस्कृत साहित्य में और प्रेम की पूर्ण अभिव्यक्ति खुलेपन में की है जी। अब शकुंतला और दुष्यंत की कहानी सबको पता है, उनके प्रेम विवाह की कहानी सब जानते हैं। इसी प्रकार गंगा और शांतनु की कहानी भी सभी जानते हैं कि उनके प्रेम से किस प्रकार मतलब आगे बढ़ा है कौरव वंश या इस। तो ये हमारे लिए कोई नई चीज नहीं है प्रेम करना या अभिव्यक्त करना। आप चले जाइए कोणार्क के सूर्य मंदिर में जाइए, अजंता एलोरा की गुफाओं में चले जाइए, आपको प्रेम की अभिव्यक्ति सर्वत्र बिखरी हुई मिलेगी, मुझे कहने की आवश्यकता ही नहीं है। आजकल हम इसको और नए रूप में देख रहे हैं। मध्य काल में जो विदेशी आक्रमण हुए थे उस समय हमारे यहाँ लड़कियों को थोड़ा सुरक्षित रखने के लिए घरों तक सीमित कर दिया गया था और उनकी पढ़ाई लिखाई भी कम कर दी गई थी। उसका प्रभाव ये पड़ा कि वो अज्ञान रह गई, अज्ञान से वंचित रही और प्रेम विवाह का जो है जो प्रचलन था हमारे समाज में वो कम हो गया या खत्म हो गया, समाप्त हो गया एक तरह से। लेकिन अब वर्तमान समय में जब सभी लड़कियां पढ़ रही हैं, अध्ययन कर रही हैं, लड़कों के बराबर पढ़ रही हैं, बल्कि लड़कों से अच्छा पढ़ रही हैं कई, तो उस समय साथ रहना, साथ काम करना, ऑफिस में साथ रहना, दोस्ती होना, एक दूसरे के प्रति आकर्षित होना कोई अनहोनी बात नहीं है। और मैंने बताया था पहले कि शुक्र और मंगल कुंडली में हमारी ये दो ग्रह ऐसे बताए गए हैं
शुक्र जो है स्त्री ग्रह स्त्री पक्ष की विशेषता बताता है और मंगल पुरुष की। तो मनुष्य में जो स्त्री और पुरुष जो जो विभिन्नताएं हैं इन दोनों को वो ये दोनों ग्रह हमारे कुंडली में बताते हैं। यदि ये साथ होते हैं एक दूसरे को देख रहे होते हैं कुंडली में तो व्यक्ति जो है विपरीत लिंगी के प्रति बहुत जल्दी आकर्षित होता है और आकर्षित करता भी है, दोनों बातें हो जाती हैं। तो एक दूसरे के प्रति आकर्षित होना और आकर्षित करना ये तो सृष्टि को चलाने का नियम है। अगर आप आकर्षित नहीं होंगे तो सृष्टि आपकी खत्म है, आकर्षण से ही सृष्टि बंधी हुई है। तो ये एक दूसरे के ऊपर ही निर्भर है, हम नहीं कह सकते कि ये प्रेम करना बुरा है या खराब है, ये स्वाभाविक है स्त्री और पुरुष में, उनकी अपनी खासियत है और अगर वो आकर्षित नहीं होंगे तो संतानोत्पत्ति भी नहीं होगी। हाँ, और संसार भी नहीं होगा किसी प्रकार, संसार नहीं चलेगा, सृष्टि समाप्त हो जाएगी जी। तो इसी को लेते हुए फिर हमने कुंडलियों में देखने की कोशिश करी कि किस तरह से लोग एक दूसरे के प्रेम में पड़ते हैं या आते हैं या अभिव्यक्त करते हैं। इसमें जो है कुछ बिंदु जो है प्रमुख रूप से हमारे कुंडलियों में सामने आए कि एक तो लग्न और सप्तम में चंद्र या शुक्र का योग, मतलब कि चंद्रमा लग्न सप्तम में हो या शुक्र, तो वो व्यक्ति को प्रेमी बनाता है, उसका मन हमेशा किसी और दूसरे को प्यार करने के लिए आगे बढ़ता रहता है। ये एक उसमें खासियत अंतर स्वाभाविक ही होती है, उसको कुछ सिखाने की जरूरत नहीं होती। इसके अतिरिक्त ये योग पंचम एकादश भाव में भी हो सकता है, क्योंकि पंचम भाव भी जो है वो हमारा हमारे शारीरिक मिलन प्रेम प्यार इन सब का कारक है। तो ये और इलेवेंथ हाउस जो है हमारी परमानेंट टाई ऑफ फ्रेंडशिप देता है, स्थायी मित्रता। तो ये दोनों भाव मिलके भी हमें एक दूसरे के प्रति आकर्षित करते हैं स्त्री और पुरुष को और उनको प्रेम के बंधन में बांधते हैं। इसके अतिरिक्त लग्न पंचम सप्तम भाव एकादश भाव पर यदि स्त्री राशियां वृषभ कन्या कर्क वृश्चिक मकर या मीन, ये कन्या स्त्री राशियां कहलाती हैं, स्त्री राशियों की अधिकता होती है या वो होती है, तो ऐसे व्यक्ति भी जल्दी एक दूसरे के प्रति या विपरीत लिंगी के प्रति आकर्षित होते हैं जी। इसके अतिरिक्त अंतरजातीय विवाह के लिए एक और चीज देखी गई है कुंडलियों में कि राहु केतु का किसी ना रूप किसी रूप में इन भावों से जुड़ना, लग्न सप्तम में जुड़े पंचम एकादश में जुड़े या सेकेंड हाउस और सेवेंथ हाउस से भी जुड़े एट्थ हाउस से भी जुड़ सकता है, इन सब से भी जुड़कर तो वो अंतर जातीय अंतर प्रदेशीय अंतर प्रांतीय या विदेशी फॉरेन से उन सब से भी वो विवाह कर सकते हैं। और इसमें राहु केतु का संबंध इसलिए माना गया है, मुझे नहीं पता है कि इसके पीछे क्या कारण है, लेकिन राहु केतु को प्रमुखता से माना गया है अंतर जातीय विवाह। ठीक है, अब हम आ जाते हैं कि केवल यदि शादी करना एक अलग बात होती है, प्रेम करना एक अलग बात है। आजकल वर्तमान समय में एक परंपरा और आ गई है लिव इन रिलेशनशिप, जिसमें व्यक्ति प्रेम करते हैं, स्त्री पुरुष साथ भी रहते हैं और जब तक उनका मन रहता है साथ रहते हैं और फिर एक दूसरे को छोड़ के वो अनजान भी बन सकते हैं, उसमें वो किसी तरह की कोई जिम्मेदारी का निर्वाह नहीं करते, तो इसमें कोई बंधन भी नहीं है। तो पंचम भाव उसमें एकादश भाव और ट्वेल्थ हाउस ये भाव हम देखते हैं उसमें। फिफ्थ हाउस जो है एक दूसरे के प्रति आकर्षित होने का है, ट्वेल्थ हाउस क्योंकि बेडरूम हाउस है तो उनके बिना वैवाहिक विवाह किए जो संबंध है उनको बताता है। तो इस तरह से ये जो है, लेकिन जब हम शादी की बात पर आते हैं तो जब हम पंचम भाव को सेवेंथ हाउस से भी जोड़ते हैं और इलेवेंथ हाउस से भी जोड़ते हैं, तो इसमें ये आता है कि पंचम भाव का स्वामी इलेवेंथ में सेवेंथ में जाए या सेवेंथ हाउस का स्वामी पंचम में जाए जी। या वो एक दूसरे के नक्षत्र में हो, किसी भी तरह का उनका राशि परिवर्तन नक्षत्र परिवर्तन कुछ भी हो, तो वो जो है एक अपनी पसंद से ही विवाह करेंगे, अपने प्रेम से जिसको उन्होंने पसंद किया उससे विवाह करते हैं, अन्यथा वो मना करते रहेंगे। अगर उनको परंपरागत रूप से लड़की दिखाई जाए या लड़का दिखाया जाए तो वो मना करते रहेंगे। इसके अतिरिक्त प्रेम के लिए पंचम भाव का सबलॉर्ड फिफ्थ हाउस का सबलॉर्ड भी यदि राहु केतु होता है तब भी वो अंतर जातीय विवाह की तरफ ले जाता है, उसका संबंध सेवन या इलेवन से हो तो। इसके अतिरिक्त यदि राहु केतु वहां के फिफ्थ हाउस के सबलॉर्ड नहीं है तो फिर कोई भी अन्य ग्रह जो है वो यदि सबलॉर्ड है और वो राहु केतु से किसी भी तरह का संबंध बनाता है
दृष्टि संबंध, युति संबंध, नक्षत्र परिवर्तन, राशि परिवर्तन, तो भी अंतरजातीय प्रेम विवाह की पूरी पूरी संभावना बनती है। इस तरह से हम इसको देख सकते हैं। दीदी एक बार ये भी लिखा है कि अष्टम में भाग का भी यदि इनसे जुड़ जाता है तो ये गुप्त संबंध भी दे सकता है। हाँ, ये चीज एक और है कि कई लोग तो ओपन रिलेशनशिप रखते हैं खुल के, मतलब पंचम भाव इलेवेंथ हाउस और ट्वेल्थ हाउस जब यदि जुड़ा रहता है तो वो ओपन रिलेशनशिप है, लोग किसी से छुपाते नहीं है, सबको पता होता है कि ये लिव इन में रह रहे हैं और वो शारीरिक संबंध भी स्थापित करते हैं क्योंकि वो ट्वेल्थ हाउस जुड़ता है। लेकिन जब यहाँ पंचम भाव या अष्टम भाव जुड़ता है साथ में, तो इसका मतलब ये होता है कि वो गुप्त रूप से संबंध बनाकर रह रहे हैं, किसी को बता नहीं रहे। और ऐसी चीजों में कई बार शनि भी इन्वॉल्व रहता है। शनि को हम कह सकते हैं थोड़ा या तो बताने की हिम्मत नहीं कर पाते या शनि गुप्त का ताका भी संकेत है, तो लोग छुपकर अपने संबंध बनाने में विश्वास रखते हैं और किसी को बताते नहीं है, ये अष्टम भाव से होता है। शनि के कारण हम ये भी बोल सकते हैं कि शनि भेद का भी, साम दाम दंड भेद में भेद का भी कारक होता है। हाँ, इसके लिए शनि बिल्कुल। तो दीदी आपने ये भी यहाँ बताया कि ये पंचम और एकादश भाव यदि दोनों एक साथ जुड़े तो ये जो प्रेम है वो विवाह में परिवर्तित हो सकता है। हाँ, एक्चुअली क्या होता है, एक तो प्रेम हुआ, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है यदि आपकी दशा अंतर दशाएं फेवरेबल नहीं रहती हैं तो प्रेम करने के बावजूद भी आपका विवाह संबंध संपन्न नहीं हो पाता। इसके पीछे ये रीजन है कि सेकंड हाउस, सेवेंथ हाउस और इलेवेंथ हाउस, ये हाउसेज जो है हमारे शादी के कारक हैं, प्रमुख कारक भाव। और अगर इसमें पंचम भाव जुड़ता है इट मीन्स की लव मैरिज। अगर सेकेंड हाउस जुड़ता है इसका मतलब है कि पारिवारिक सहमति से प्रेम विवाह। अगर सेकेंड हाउस नहीं जुड़ता है, पांच सात और ग्यारह ही जुड़ता है, तीनों भावों के सिग्निफिकेटर्स ऑपरेट होते हैं, तो वो व्यक्ति अपनी पसंद से विवाह कर रहा है बिना घर वालों की परवाह किए। उसको परवाह नहीं है, घर वाले आते हैं तो ठीक है, नहीं आते हैं तो भी ठीक है। और तो इन ग्रहों की दशा अंतर दशा में ही, इन भावों के सूचक ग्रहों की दशा अंतर दशा में ऐसा संभव होता है। अगर दशा अंतर दशा फेवरेबल नहीं चलती है तो विवाह नहीं हो पाता। और विवाह के प्रॉमिस के लिए हमको सेवेंथ हाउस का सबलॉर्ड देखना पड़ता है फर्स्ट मैरिज के। तो दीदी एक बात आपसे यहाँ जरूर पूछनी चाहूंगी मैं कि केपी के साथ टाइमिंग, आपका 40 साल का एक्सपीरियंस है केपी के साथ, तो क्या केपी और टाइमिंग बहुत, केपी में से जो टाइमिंग निकलती है वो क्या वो बहुत सटीक होती है, उससे क्या उस समय फलित होता है जो आप देखते हैं या जो आप बोलते हैं किसी को? जी हाँ बिल्कुल, ये देखा गया है कि यदि हम सही तरीके से डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस लेकर कुंडली बनाएं, सही तरह से सिग्निफिकेटर निकालें और सही तरह से हम एक किसी भी विषय में सिग्निफिकेटर्स निकालकर फिर हम दशा देखते हैं, हमने भाव, जैसे मान लीजिए कोई भी कोई कुंडली है, मान लीजिए उसका सेवेंथ हाउस का सबलॉर्ड प्रॉमिस कर रहा है कि शुक्र और सूर्य और मंगल, इनकी ये तीनों ग्रह जो हैं इनकी शादी के विवाह के सूचक हैं, तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि उसकी सूचक हो गया, प्रॉमिस भी हो गया, यहाँ से मामला खत्म नहीं होता। हम तुरंत गोचर आके और गुरु का गोचर देख के नहीं कहेंगे कि इसकी शादी हो जाएगी अगले साल, ऐसा नहीं। हम पहले ये देखेंगे कि उसकी दशा क्या चल रही है और अंतरदशा क्या चल रही है। महादशा उसकी शादी का सूचक बन पड़ रहा है कि नहीं, महादशा का स्वामी नहीं बन रहा है तो हम अंतरदशा देखेंगे। अंतरदशा स्वामी हो सकता है, महादशा स्वामी दो भावों का सूचक हो, पूरे भावों को नहीं कवर कर रहा हो तो अंतरदशा कवर करेगी। तो उस अंतरदशा में पर्टिकुलर हम देखेंगे कि ये अंतरदशा तो इसकी बिल्कुल फेवरेबल है कि इसमें शादी हो ही जाएगी। तब आके हम अपने गुरु का गोचर देखेंगे जो हमारे लिए कारक है शादी का, स्वाभाविक कारक। तो गुरु को देखते ही हमें समझ में आ जाएगा। और यदि हम मंथ निकालना चाहते हैं ना किसी इंसिडेंस का, तो हमें सूर्य का गोचर देख लेना चाहिए कि सूर्य इस समय किस नक्षत्र में भ्रमण कर रहा है, उस नक्षत्र का स्वामी हमारे कार्य से जुड़ा हुआ है कि नहीं, तो हम फॉरन कैसे। हम ये सब चीज, आपने एक वीडियो भी हमने गोचर और दशा पे बनाया है। साथ ही दीदी ये भी मैं पूछना चाहूंगी, ये सब चीज हम ये केपी कोर्स में सीखेंगे है ना? जी बिल्कुल सीखेंगे, क्योंकि दशा और इसको सीखे बिना तो होगा नहीं। हम तो चाहते हैं कि
अधिक से अधिक हम सिखा दें जितना हम सिखा सकते हैं। हम तो अपने पास कुछ रखना ही नहीं चाहते, बांटना चाहते हैं कि सब लोग सीखे, सब लोग मास्टर हो जाए, केपी के मास्टर हो जाए। थैंक यू दीदी। तो आधा अधूरा ज्ञान सिखाने में कोई अच्छा आनंद नहीं आता है, बल्कि कंफ्यूजन बढ़ता है। बहुत सुंदर। इसके साथ हम चलते हैं एग्जाम्पल पे। तो ये एग्जाम्पल देखते हैं हम सचिन तेंदुलकर का। दीदी इस पर आप कैसे, आपने कैसे बताया कि इनका अंतर जातीय विवाह हुआ था और इनकी पत्नी बहुत ही सुंदर और प्रभावशाली व्यक्तित्व की है पत्नी इनकी। देखिए सबसे पहले हम ये कर्क लग्न के हैं, स्त्री लग्न है ना। हाँ। फिर हमने पंचम भाव देख लिया, वहां पर भी स्त्री राशि है, वृश्चिक राशि है ना। उसके बाद मंगल है हालांकि उसका स्वामी, और मंगल सप्तम भाव में आया है और उच्च का मंगल है जी, उच्च का मंगल है, काफी स्ट्रॉन्ग, जो पर्सनालिटी को अच्छा बनाता ही है। पंचम भाव का स्वामी सप्तम भाव में आ गया और सप्तम भाव का स्वामी इलेवेंथ में चला गया शनि जी। और मंगल खुद भी और शनि दोनों ही, मंगल अपने ही नक्षत्र में है और राहु के सब में जी। अब अगर हम राहु को देखते हैं ना, तो राहु जो है अंतरजातीय विवाह का सूचक हो रहा है जी, ठीक है। और राहु के साथ ही चंद्रमा भी बैठा हुआ है सिक्स्थ हाउस में, हालांकि ये सिक्स्थ हाउस में बैठे हुए हैं लेकिन ये कस्प कुंडली से फिफ्थ हाउस में आ जाते हैं जी। राहु नहीं आया है, चंद्रमा आया हुआ है फिफ्थ हाउस में जी, है ना। तो फिफ्थ हाउस का चंद्रमा, हमने पहले भी बताया कि फिफ्थ हाउस का चंद्रमा भी या लग्न या सप्तम पे हो तो प्रेम विवाह की तरफ आदमी को ले जाता है। अब इसके अतिरिक्त इनके सेवेंथ हाउस का सबलॉर्ड जो है वो भी शनि है, इलेवेंथ हाउस का सबलॉर्ड भी शनि है। तो ये शनि इलेवेंथ हाउस का सबलॉर्ड होके इलेवेंथ में है, आपसी कंपैटिबिलिटी इतनी शानदार बनाई है इनकी जिसकी कोई हद नहीं है, है ना। बहुत ही बढ़िया है इनका आप। और फिर मंगल और गुरु जो है, ये यहाँ पर जो है अंतर जातीय विवाह का तो हमने बताया, गुरु जो है ये सिक्स्थ को केवल उसने टच किया है, सेवंथ पर ही वो है ना। तो उनके लिए भाग्य भाव का स्वामी भी होकर नवम भाव में आया है, तो एक तरह से उनके ऊपर ईश्वरीय कृपा भी है और उनकी पर्सनालिटी भी अच्छी है। और सेवंथ हाउस का सबलॉर्ड शनि होने से उनको आयु से बड़ी पत्नी भी मिली है। हाँ। ये जो शादी जो हुई थी इनकी, ये हुई है इनकी सूर्य में राहु के अंतर में शादी हुई। अच्छा। सूर्य में राहु का अंतर था करीब करीब। अब यहाँ पर हम सिर्फ राहु को, गुरु का भी एजेंट देखेंगे और गुरु सप्तम भाव में है तो वो सेवेंथ हाउस का भी सूचक हो गया जी। तो वो दोनों तरह के रिजल्ट दे रहा है। हो सकता है इनके शुरू शुरू में कोई रुकावट आई हो या कोई दिक्कत आई हो, ये हम नहीं जानते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ परेशानी हो सकती है। लेकिन उसके बाद शादी होने के बाद अब वैवाहिक जीवन उनका बहुत अच्छा चल रहा है जो हम लोग देख रहे हैं। साथ ही दीदी आपने बोला कि ये जो ये पंचम जो मंगल और जुपिटर है वो इन मेडिसिन का भी कारक है जब वो मिलते हैं तो। इनको मेडिकल में, इनकी वाइफ को मेडिकल में ले गया है और इनको स्पोर्ट्स में ले गया है क्योंकि लग्न को भी तो देखना है जी। मंगल और गुरु क्रिकेट का भी मतलब स्पोर्ट्स के भी कारक है, तो वो लग्न को देखते हैं तो इनको तो स्पोर्ट्स में भी ले जाते हैं। और इनका सूर्य जो है उच्च का सूर्य फोर्थ हाउस को देखता है, फोर्थ हाउस इनकी वाइफ का वर्क प्लेस है मतलब प्रोफेशन है, वहां सूर्य देखता है जी। तो वो मेडिकल लाइन से भी जुड़ा हुआ उनको बता रहा है और शुक्र भी देखता है साथ में, तो शुक्र भी उनके लिए प्रोफेशन का ही कारक है उनकी वाइफ के लिए। तो इस तरह से उनको एक अच्छा प्रोफेशन मिला हुआ है उनकी वाइफ को भी। हमने दीदी से बहुत कुछ सीखा, बहुत सारी अच्छी बातें भी मालूम हुई कि हमें आगे चल के कोर्स में क्या क्या देखने को मिलेगा, क्या क्या सीखने को मिलेगा। दीदी इस नव वर्ष पे एक बहुत सुंदर टॉपिक पर डिस्कशन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे हम मिलते रहेंगे आपसे हमारे बिल्कुल बिल्कुल।